हेलो स्टूडेंट्स, अ प्लीजेंट मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव शोड यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 4 एंड इन दिस वे योर चैप्टर 4 इज़ कंप्लीटेड नाउ एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर चैप्टर 5 द वेन किंग। द ओनली लास्टिंग ब्यूटी इज़ द ब्यूटी ऑफ द हर्ट। जो लास्टिंग ब्यूटी यानी जो परमानेंट ब्यूटी होती है वो हर्ट की ब्यूटी होती है। द सेंस ऑफ दिस स्लोगन इज द ट्रू ब्यूटी इज़ द ब्यूटी ऑफ हर्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ प्रिंस। एक बार की बात है, एक राजकुमार रहता था। हिज फादर द किंग, उसके पिता जो राजा थे, वॉज अ स्ट्रिक्ट मैन, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे। एंड द पीपल इन द किंगडम वर अफ्रेड ऑफ हिम, और उनके राज्य में जो लोग रहते थे वो राजा से डरते थे। द प्रिंस ग्रीव अप सराउंडेड बाई कोर्टियर्स हु डॉटेड ऑन हिम। राजकुमार ऐसे लोग दरबारियों के बीच में रह कर के बड़ा हुआ था, हु डॉटेड ऑन हिम, जो उस पर पूरे के पूरी तरह से ध्यान रखते थे। द यंग प्रिंस लव देयर अटेंशन बट डिड नॉट रियलाइज दैट देयर लव वॉज मोर अ शो। द यंग प्रिंस लव देयर अटेंशन। उस यंग प्रिंस यानी जो राजकुमार था, उसको अपने दरबारियों का उसके ऊपर अटेंशन देना, ध्यान देना अच्छा लगता था। बट डिड नॉट रियलाइज, लेकिन उसने इस बात को महसूस नहीं किया दैट देयर लव वॉज मोर अ शो, उनका जो प्यार है वो सिर्फ एक दिखावा है। दे पुट अप इन फियर ऑफ हिज फादर, जो वो उसके पिताजी के डर की वजह से शो करते थे। सो ही बिलीव्ड देम व्हेन दे सेड दैट ही वॉज द मोस्ट हैंडसम प्रिंस इन द वर्ल्ड, और इसीलिए वो उनकी इस बात पर विश्वास कर लेता था कि वो इस संसार का सबसे हैंडसम राजकुमार है। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज गुड लुक्स, उसको अपने गुड पर्सनैलिटी पर, अच्छे लुक पर घमंड था। एवरी नाउ एंड देन ही वुड लुक एट हिमसेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल, हर समय वो अपने आप को शीशे में देखता था और स्माइल करता था। ही वुड स्ट्रेटन हिज टर्बन और चेंज द वे हिज मॉइस्चराइज कर्ल, वो अक्सर अपनी टर्बन को चेंज करता रहता था और अपनी जो मूंछें थी उनके कर्ल को चेंज करता था। व्हेन हिज फादर डाइड, जब उसके फादर की डेथ हो गई, द प्रिंस वॉज क्राउन्ड द किंग, राजकुमार को राजा बनाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया। द यंग किंग लुक्ड गुड इन हिज न्यू क्लॉथ्स एंड क्राउन, जो राजकुमार था वो राजा के लुक में, कपड़ों में और मुकुट में बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। व्हेन ही सैट इन कोर्ट, जब एक बार वो कोर्ट में बैठा, अ ट्रैवलर केम टू पे हिज रेस्पेक्ट टू द न्यू किंग, तो एक यात्री नए राजा के लिए अपना सम्मान शो करने आया। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, यू हैव ट्रेवल्ड फार एंड वाइड, तुमने बहुत दूर दूर तक यात्राएं की हैं। यू हैव विजिटेड मैनी किंगडम्स, तुमने बहुत से साम्राज्य राज्यों को घूमा है। हैव यू एवर सीन एनी वन एज हैंडसम एज मी, क्या तुमने ऐसा हैंडसम देखा है जो जितना कि मैं हूँ। द ट्रैवलर वॉन्टेड टू प्लीज द किंग, वो यात्री राजा को प्रसन्न करना चाहता था, खुश करना चाहता था। सो ही शूक हिज हेड एंड सैड, तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा, योर हाइनेस, मेरे स्वामी, आई हैव नेवर सीन अ किंग एज हैंडसम एज यू, मैंने इतना हैंडसम राजा नहीं देखा जितने कि आप हैं। द किंग वॉज हैप्पी, राजा खुश था। ही ऑर्डर्ड दैट द ट्रैवलर बी गिवन द बेस्ट ऑफ फूड एंड गिफ्ट एज लॉन्ग एज ही स्टेड इन द किंगडम, उसने ऑर्डर किया अपने दरबारियों को कि ये यात्री जितने दिन हमारे साम्राज्य में रुकेगा, इसको अच्छे से अच्छा खाना और अच्छे से अच्छे उपहार दिए जाएं। सून वर्ड स्प्रेड अबाउट द न्यू किंग्स वैनिटी, और जल्दी ही राजा के जो शब्द थे वो पूरे राज्य में फैल गए। ट्रेवलर्स बिगेन टू सिंग सॉन्ग्स अबाउट द किंग लुक्स, यात्री ने राजा के लुक को लेकर के गाने गाना शुरू कर दिया। द किंग स्पेंट मोस्ट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राजा अपना ज़्यादातर समय शीशे के सामने व्यतीत करने लगा। ही ऑर्डर न्यू रॉब्स एंड ज्वेल्स एवरी डे, वो हर दिन नए ज्वेल्स यानी नए नए हीरे जवाहरात का ऑर्डर देता था। ही हार्डली हैड टाइम टू लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज पीपल, उसके पास अपने लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए समय ही नहीं था। ओवर द ईयर्स द कंट्री बिकेम पुअर, और जैसे जैसे समय बीतता गया, साल दर साल उनका जो देश है वो गरीब होता चला गया। सो स्टूडेंट, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट चैप्टर इन माई न्यू वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।